तो गाइज वेलकम बैक अगेन ए न्यू वीडियो बैटल स्टार्स। तो हम लोग यहाँ पे आज फिर से खेल रहे हैं बैटल स्टार्स। तो जैसा कि देख सकते हो आज हम लोग एक नए कैरेक्टर के साथ खेल रहे हैं जिसका नाम है जैक, और इसके हाथ में AK-47 वाला जो गन है भाई वही गन है। और तुम देख सकते हो इसका लुक देखने में कैसा लगता है, तो काफ़ी रैपर टाइप का इसको लुक बनाया है। और ये कहाँ से खुल गया मिस्टेक से, यहाँ पे नाम चेंज करने का कोई ज़रूरी अभी है नहीं, जो नाम है हमको वही रखना है। तो भाई जैक का तुम एबिलिटी देख सकते हो, सब चीज़ यहाँ पे देख सकते हो। और जैक को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अपग्रेड भी कर दिया गोल्ड से, क्योंकि तुम लोग को जो है मुझे इसका गेम प्ले दिखाना था और यहाँ पे फ्री में कुछ गोल्ड मिल गया, वो भी हम लोग ले लेंगे। और बिना लेट किए हुए जो है आज हम लोग फिर से दिल्ली वाला मैप खेलने वाले, और आज गए हम लोग को दिल्ली मैप में एक मैच निकालना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे फाइनली आ चुके हैं अपने दिल्ली रॉयल यानी कि दिल्ली के बैटल रॉयल में, और आज हम लोग यहाँ पे जैक के साथ गेम प्ले करेंगे। तो गाइस जैक जो ये कैरेक्टर है ये ठीक ठाक कैरेक्टर है, क्योंकि अभी जो यहाँ पे तुम देख सकते हो मैक्सिमम जितने भी यहाँ पे मेरे अपोनेंट आए हैं तो वो सभी रंगों लेके आए हैं। तो कितना 3-4 रंगों दवाई लेके ऐसे ही आ गया होगा, और साथ में टेक्नो भी लेके आया है। और कौन कौन सा कैरेक्टर है यहाँ पे देखो भाई, ये जो इपिक वाला कैरेक्टर है वो भी लेके आया हुआ है। और भाई जूका तो भाई भरमार लगा हुआ है भाई, जूका रंगो ये दोनों का भरमार लगा है। किल शॉट वाला भी कैरेक्टर आया है, टेक्नो तो आया ही हुआ है। तो भाई ये सभी कैरेक्टर एक साथ यहाँ पे आ चुके हैं अपने बैटल रॉयल में, और हम लोग का जो ये छोटा सा एक स्क्वाड बन गया है जैसा कि तुम देख सकते हो। तो हम यहाँ पे कोशिश करते हैं यहाँ पे जो है बैटल रॉयल में अपना मैच निकालने का। तो यहाँ पे 6 स्क्वाड लाइव है, क्योंकि भाई तुम एक बार में 3 बंदों के साथ खेल सकते हो, तो तुमको ये बात पता है ही क्योंकि तुम लोग खेल ही रहे हो। तो यहाँ पे जो है आराम से ग्रीन हर्ट मिल जाएगा, तो भाई लूट रखना एकदम अच्छा से, एटलीस्ट एमओ पर अपना ध्यान रखना है, क्योंकि अगर एमओ तुम्हारे पास नहीं रहेगा तो भाई कोई भी बंदा आकर तुमको मार देगा और पता चलेगा तुम टक 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 करते गए और तुम्हारा गोली वहाँ से निकला ही नहीं। इसलिए भाई तुमको अपना जो है ना एमओ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना ही पड़ेगा। और यहाँ पर देख लो भाई, इसका नाम है कर्तव्य पाथ जो कि दिल्ली में है रियल में, और इसी को यहाँ पे इन गेम में इन लोगों ने दिखलाया जो अपने डेवलपर से बैटल स्टार्स के। तो तुम लोग को तो भाई ये वाला मैप अच्छा लगा ही होगा, क्योंकि मेरे को भी सही लगा। मुंबई राइजिंग से तो हम लोग खेले ही थे, तो हम लोग को दिल्ली मैप का चाहिए था न्यू वर्जन, तो हम लोग को मिल गया। और आज गए आज दिल्ली मैप में तुम लोग को यहाँ पे बहुत चीज़ हम यहाँ पे दिखाएंगे, जो कि तुम लोग वैसे अगर तुम लोग खेले होगे तुम लोग वहाँ पे देख ही लिए होगे, बट फिर भी हम तुम लोग को दिखा देंगे। और भाई देखो जैसे तुम यहाँ पे ऊपर जाओगे कर्तव्य पार्ट से, तो तुमको यहाँ पे अशोका मार्ग यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। और भाई यहाँ पे एक बंदा जो ये मेरा ये ऑफलाइन है, और यहाँ पे हम हैं, और एक आरव नाम का है, आरव सेवन नाम है सिर्फ इसका। और भाई यहाँ पे तुम जो अभी हम जगह पे हैं कर्तव्य पाथ, यहाँ पे अगर तुम भाई आते हो तो यहाँ पे तुमको लूट अच्छा खासा मिलेगा। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो भाई बहुत ज़्यादा अच्छा खासा लूट मिला है, और सभी बंदे लोग जितना भी यहाँ पे स्क्वाड है 3-3 बंदे, वो सभी अपने अलग अलग जगह पे जा चुके हैं, एंड कोई भी किधर से भी आ सकता है। तो इसलिए तुम लोग को ध्यान देना पड़ेगा भाई, हमेशा सतर्क होना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी किधर से आके हमला कर सकता है। और यहाँ पे भाई तुम जैसे यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे बहुत अच्छा खासा तुमको यहाँ पे एमओ मिल जाएगा। और यहाँ पे जैक वाला जो कैरेक्टर है मेरा सब कुछ फुल है, 3 यहाँ पे दिल रख सकते हैं जो कि यहाँ पे मैक्स, और 3 जूता गोल्डन वाला सूट जिससे कैरेक्टर तुम्हारा फास्ट भागने लगता है, और साथ में जो यहाँ पे 160 एमओ जैक यहाँ पे रख सकता है। तो तुम लोग बताना कि तुम लोग में से जैक कितने लोगों के पास अनलॉक है, क्योंकि भाई जैक मेरे ख्याल से बहुत लोगों के पास अनलॉक हो जाना चाहिए, क्योंकि जैक उतना भी कोई खतरनाक कैरेक्टर नहीं है, बट जैसा भी भाई ठीक ठाक कैरेक्टर। और देखो ऊपर में वहाँ पर एनिमी आ गया, और भाई वहाँ पर एडो ऑटोमेटिक मेरा चला गया। और यहाँ पे रंगो भाई, रंगो का हेल्थ कम है, रंगो का यहाँ पे मार देंगे, और मेरे पास दिल है, हम दिल भी यूज़ कर लिए। और इसके साथ भाई यहाँ पे जो एक किल मेरा एकदम कंफर्म हो गया। और जूका यहाँ पे से जो ये आड़ा भाई, ये भाई ये लॉन्चर वाला जूका वाला कैरेक्टर लेके आया हुआ है। तो सब कुछ भाई ठीक ठाक ही कैरेक्टर है भाई, जूका यार ठीक कैरेक्टर है भाई। मतलब मैंने क्या कि स्क्वाड मेट खेल रहा तो और भी मस्त रहेगा, क्योंकि एक जूका लेके आता है भाई, एक आध दो लॉन्चर दो, और इधर से हम लोग तो फाइट करते ही रहेंगे। और अगर एक बंदा टेक्नो लेके आ जाता और भी मस्त, वीड भी लेके आ जाता, लेकिन एक टीममेट में एक जूका रहेगा तो और भी मस्त। और भाई यहाँ पे तो एक जूका वाला कैरेक्टर लेके गया, और मेरे पास एक ही दिल था, और इसको भाई पकड़ के हम मारेंगे। और मेरे पास 3 जंगल सूट, ये भाग रहा भाई, इसको पकड़ के मारना है हम लोग को। और ये रहा भाई तुम लोग का इंडिया गेट, हमको भाई मिल ही नहीं रहा था। तो ये देखो अपन लोग का इंडिया गेट है, तो हम लोग भाई इंडिया गेट भी देख लिए। चलो तुम लोग बताना कैसा लगा। और सबसे पहले तो इंडिया गेट के पास ये जूका घूम रहा था, इसको यहाँ पर मारेंगे। और भाई ये कहाँ दौड़ेगा, इसको फटाफट, मेरे पास गोल्डन सूज है भाई, हम स्पीड में भागेंगे। मुड़ी यहाँ पे चिप गया है भाई, वो जूका कहाँ गया भाई, इसको यहाँ पे ये रहा, दोनों यहीं पे रहा।
झुका को मार दे। उसके बाद ये है जैन वाला कलेक्टर भाई, ये इसका हेल्थ बहुत अच्छा खासा रहता और साथ में ये बहुत ज़्यादा हेल्थ यूज किया, और अगर हम अकेला इससे अभी हम भिड़ते तो हमको मार देता वो। तो अब जान मान लो भाई यहाँ पे जो है मेरा टीममेट यहाँ पे था जो कि हम दोनों यहाँ पे, तब इसको मार पाए, नहीं तो भाई अकेला हम इसको मार नहीं सकते थे क्योंकि इसका हेल्थ जैन का बहुत ज़्यादा रहता है। अगर तुम जैक से अगर तुम कंपेयर करोगे तो जैन का कंपेयर करोगे तो उसका हेल्थ बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। और ये रहा तुम लोग का भाई प्रगति मार्ग, ठीक है। तो ये दिल्ली के मैप में ये तुम लोग को प्रगति मार्ग देखने के लिए मिल रहा है, तो तुम लोग कमेंट में बताना कि तुम लोग को कैसा लग रहा है। और साथ में जोन आ रहा है, जोन से बचना है, और ऊपर एनिमी भी जाता है, जब भी एनिमी अगर जाएगा तो तुम्हारा भाई वहाँ एडो टाइप से जो है थोड़ा सा बिंदा बिंदा टाइप से देखना स्टार्ट हो जाएगा। और जो रेड जोन है भाई, ये जोन जोन के अंदर अगर तुम रहोगे तब तो भाई चल जाओगे, इसलिए जोन मतलब जोन के अंदर ही रहो भाई, बाहर मत जाओ, जोन के बाहर जाओगे तो मर जाओगे, हम तो उल्टा ही बोल रहे थे, तो जो भी समझ लो। और यहाँ पे जो है फिर से यहाँ पे हर्ट मिल गया, चलो एक हार्ट तो ये आड़ा ले लिया और एक हार्ट अब मैं ले लिया। तो अब भाई यहाँ पे जो है हम दो हैं और सामने तीन बंदा होगा, और कितना बचा होगा। और हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं अपने लाल किला वाले मैप में, देख सकते हो रेड फोर्ट जो कि अपना दिल्ली में है, रेड फोर्ट। तो तुम लोग बताना कमेंट में तुम लोगों को कैसा लगता है। और इसके साथ ही गाइस यहाँ पर काफ़ी ख़तरनाक सा गैम्पल है, और यहाँ पे भाई ये रंगो कितना स्पीड मार गया, इसको हम यहाँ पे मार देंगे, तो चलो इसको मार दिया। और यहाँ पे भाई दो दो रंगो भाई, दो दो रंगो, और यहाँ पे हम लोग मिलके यहाँ पे मार दिया, बट भाई अकेला हम कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पे सब मर गए, कहानी ख़त्म। तो हम भाई यहाँ पे किल किए थे अपने से, लेकिन बट ये जो है पूरा रंगो का पेल दिया भाई, देखो क्या लिखा है भाई, पेल दिया, और भाई 10 का माइनस लग गया। लेकिन हमको यहाँ पे जो है एक गोल्डन वाला क्रेट मिल गया भाई, देखते हैं गोल्डन क्रेट में क्या मिलेगा, तो वो तुम लोग को नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। तो हम लोग भाई यहाँ पे जो है देखो हारते हारते मेरा दिमाग ख़राब हो गया था, तो हमको टीममेट यहाँ पे सही नहीं मिला, और एक मिला तो एक गायब, सेम वही सीन है भाई जितना बार हम खेलें, कोई तो दो दो बंदा खेलता ही नहीं था, इसलिए जो अपना स्क्वाड बनाओगे तो सही रहेगा। तो यहाँ पे जो हमको एक टीममेट सही मिल गया आराम से, तो देखो ये वाला गेम काफ़ी अच्छा निकालेंगे हम लोग यहाँ पे। और हम लोग फिर से अपने दिल्ली में आ चुके, और भाई इस बार हेक्टर भी आया हुआ है, दिव्या भाई अच्छा खासा करेक्टर लेके आया है, और हम भाई एकदम नूप वाला करेक्टर जैक के साथ खेल रहे भाई, लेकिन नूप तुम नहीं कर सकते भाई, जैक में भी पावर है भाई, AK-47 से ये भी धड़धड़ गोली मारते रहता है, बट अगर पीछे से अगर कोई कवर दे तो ठीक है। और इस बार भाई हमको टीममेट जो है सही मिला है, रंगो वाला करेक्टर मिला है, और एक जो लॉर्ड मस्क एपिक वाला है भाई, ये बहुत खतरनाक मारता है, इसके पास जो गन है एकदम अंग्रेज टाइप का इसका लुक बनाया गया है। और यहाँ पे भाई हम यहाँ पे हार्ट ले लिया, और साथ में हमको एमओ भी मिल गया, चलो अच्छा खासा। और जिस जगह पे यहाँ पे हम लोग आते हैं भाई, ये जगह बहुत ज़्यादा बेस्ट है, यहाँ पे जो हर चीज़ यहाँ पे लूट मिल जाता है। और फिर से जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे देखो हमको मिल चुका है हार्ट, तो हार्ट हम लोग ले लेंगे, और साथ में एमओ हम लोग का फुल 160 हो गया। और पहले भाई लूट ही कर लेते हैं तो सही रहता है, अगर कोई मतलब आएगा तब तो उसको मारेंगे ही, नहीं तो जब नहीं आ रहा है तो आराम से जब पे घूमेंगे फिरेंगे, क्योंकि न्यू मैप है भाई, थोड़ा सा देखेंगे और किधर क्या चीज़ है। तो भाई काफ़ी अच्छा खासा रास्ता बनाया गया है, और जैसा कि तुम लोग देख सकते हो तो यहाँ पे जो वृक्ष लगाया गया है, जितना भी ट्री है, पीला कलर का भी ट्री है भाई, हरा कलर का भी ट्री है, और एक सुगा पंखी कलर भी बोलता है ना भाई, वो भी टाइप का ट्री यहाँ पे बनाया हुआ है, तो काफ़ी देखने में भाई यूनिक लग रहा है। और हम लोग अभी कर्तव्य पास में फिर से आ चुके हैं, और ये किसको मार रहा है भाई, नहीं लूट रहा है, हमको लगा ऊपर देख के मार रहा है भाई किसी को। तो अगर कोई भी एनिमी आएगा तो पास पे, तो हम लोग का जो है मार्क्स, जो हम लोग यहाँ पे गन जो तुम देख रहे हो टॉर्च टाइप से बन रहा है गन में, तो ये भाई उसके पास जाके जो है वहाँ पे थोड़ा एडो टाइप से दिखने लगता है कि हाँ भाई एनिमी है, तो एनिमी को और आवाज़ भी आ ही जाता है, क्योंकि अगर एनिमी अगर फाइट करता तो तुम लोग को आवाज़ आ ही जाता है। बट भाई यहाँ पे तुम लोग जब भी सोलो खेलोगे, जैसे मुंबई राइजिंग मैप हो गया, तो वो सब में भाई सीन क्या होता है कि तुमको थोड़ा सा छिप छाप के रहना पड़ेगा, नहीं तो कब मर जाओगे कहना मुश्किल है। और भाई देख लो ये भी तुम लोग देख लो, ये प्रेसिडेंट राष्ट्रपति भवन है शायद, यही हाँ यही है भाई, प्रेसिडेंटियल हाउस इसका नाम है, और ये तुम लोग का हो गया राष्ट्रपति भवन, जो कि इंडिया न्यू दिल्ली में इंडिया में है, जो अपन लोग का कैपिटल हुआ भाई, ठीक है, तो इंडिया में ही है, तो वही न्यू दिल्ली में है। तो यहाँ पर अभी तक मैं फ़िलहाल कोई एनिमी बचा नहीं, और वो लोग फाइट ले लेकर जो है हमको ये वाला मैच निकालना है भाई विक्ट्री, ठीक है, तो इसलिए हम भी यहाँ पे आराम से खेल रहे हैं, अगर जाना होता तो वहाँ पे हम फाइट ले सकते हैं। बट भाई हमको यहाँ पे जो गोल्डन शूज यूज़ करने में काफ़ी मज़ा आता है, क्योंकि गोल्डन शूज अगर यूज करते हैं तो भाई इससे जो थोड़ा सा स्पीड भाग जाते हैं, और काफ़ी अच्छा बूस्ट मिलता है भागने के लिए। और देखो यहाँ पे सबसे खास बात ये है कि गाइस यहाँ पे जो है ना इस एक जो इसका मैच है 5 मिनट में ख़त्म हो जाता है, तो ये चीज़ हमें काफ़ी अच्छा लगता है जो कि यहाँ पे इतना जल्दी मैच खत्म हो जाता है। और भाई ये रंगो का क्या सीन है भाई, और एक आगे यहाँ पे एनिमी वाला रंगो आ गया, इसको यहाँ पे मारेंगे, मारो मर जाओ भाई, किल हमको मिला या नहीं मिला ध्यान नहीं दिया भाई, या ये लॉर्ड मस्क उठा लिया भाई, क्योंकि इसका डैमेज बहुत खतरनाक है, इपिक करेक्टेड भाई, इपिक और कॉमन रेयर में तुम लोग को कुछ डिफरेंट पूछता। और भाई यहाँ पे ये किल शॉट
किलशॉट यहाँ पे फंस गया भाई। किलशॉट किलशॉट कहाँ मार रहा है भाई, हमको डैमेज भी नहीं पड़ रहा है भाई। ये क्या गिलीच हो गया इसके साथ भाई, एकदम फलतुआ में भाई हमको किल आ गया। चलो यहाँ पे अब जो है कम बंदा बचा हुआ, लेकिन भाई वो रांगो देखो रांगो भाई, वही बोले ना एक करेक्टर भाई साथ में तोड़। यहाँ पे फिर से किलशॉट आ गया और हम और लॉर्ड मस्क दोनों मिलकर यहाँ पे उसको पूरा अंधाधुंध मार मारे और साथ में यहाँ पे जो दिल मिल गया। चलो अच्छा बात है भाई, अब जो यहाँ पे तीन स्क्वाड अलाइव है जिसमें कि दो तो हम लोग हैं और उधर जो है तीन बचा हुआ है। तो देखते हैं, नहीं दो बचा हुआ, दो बंदा बचा हुआ है मेरे ख्याल से, हाँ दो ही बचा हुआ है क्योंकि ये रांगो तो अभी तक बचा ही हुआ है, रांगो तो अभी तक जिंदा ही है। लेकिन रांगो वाला करेक्टर ये कर क्या रहा है भाई, क्या नाम है इसका, हीरो नाम भी रखा हीरो लेकिन काम कर रहा है जीरो वाला। और अभी हम लोग फिर से अशोका मार्ग में आ चुके हैं, देख सकता है तुम लोग भाई यहाँ पर अशोका मार्ग का सीन कैसा है। और यहाँ पे जूता ले लिए गोल्डन वाला, जो यहाँ पे जो भाग भाग के मारेंगे, थोड़ा घुमा फिरा के मारेंगे। जब भी भाई तुम लोग किसी को मारते हो घुमा फिरा के मारा करो। और यहाँ से भाई यहाँ पे देखो एक एनिमी छिपा हुआ है, हम बोला भाई यहाँ है लेकिन यहाँ पे नहीं, उस वाले घास पे छिपा हुआ है। तो देख लो भाई यहाँ पे, और ये रहा भाई, इसको मारेंगे यहाँ पे। किल शॉट भी है और एक नीचे और एक करेक्टर भागा है, यहाँ पे किल शॉट को हम लोग पूरा मारेंगे। और भाई चलो इस बार हमको +10 पॉइंट मिल गया है। और उसके बाद भाई एक करेक्टर और भागा था, हम लोग यहाँ पे जो है गोल्डन वाला शूज यूज़ कर रहे हैं जो कि थोड़ा फास्ट भाग सके। किधर चला गया भाई इतना जल्दी यार, वो भी मतलब गोल्डन शूज यूज़ किया होगा क्योंकि इतना स्पीड में किधर भागा हमको कुछ पता ही नहीं चला। तो यहाँ पे हम लोग फिर से यहाँ पे गोल्डन शूज यहाँ पे यूज़ करेंगे। और भाई एक कॉन नॉट जो है ये जगह के बारे में भी हम तुम लोग को दिखाए होंगे पहला दिन। और ये रहा, यही भाग रहा था भाई, ये मिल चुका है इसको। यहाँ पे काफ़ी गंदा से यहाँ पे डैमेज हम दे चुके, पूरा गंदा डैमेज। और इसके साथ ही भाई यहाँ पे हम लोग का मैच हो गया एकदम भाई, भैंस की टांग कर दिए भाई। यहाँ पे जो ये लिखा था ना भाई, ये बड़ा मतलब फनी टाइप से लगता है। और भाई +15 ट्रॉफीज भाई, क्या ही बात है। तो कैसा लगा वीडियो गाइस, कमेंट बताना जैक के साथ। और जल्दी मिलते हैं न्यू करेक्टर के साथ।